हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, यदि आप भी एक एयरटेल का रिटेल आप सिम चालू करने का काम कर रहे हैं, सिम पोर्ट करते हैं, ऐसे में दोस्तों यदि आप किसी भी अदर ऑपरेटर का, जैसे कि आप वोडा आइडिया, वीआई, बीएसएनएल या फिर जियो सिम कार्ड को आप एयरटेल में पोर्ट करते हैं, तो पोर्ट करने के बाद आपको 2-3 दिन बाद चालू होती है सिम कार्ड, ऐसे में तो चालू नहीं हो रही, तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं कैसे चेक करना है, आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि सिम पोर्ट हुआ या नहीं, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो आप यदि एयरटेल हैं तो आप एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे मित्रा एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे एयरटेल का, तो इस प्रकार से खुल कर आएगा, अपना लॉगिन नंबर पासवर्ड डालकर इसको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से खुल कर आएगा। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से आप प्रीपेड डिजिटल एक्विजिशन वाले से आप यहाँ पर सिम चालू करते हैं, पोर्ट करते हैं। यदि आपने पोर्ट कर दिया है तो चालू नहीं हो, तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको माई अकाउंट का, तो आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार का खुल कर आएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा फाइट करना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको प्रीपेड एक्विजिशन लॉक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर आपको जिस डेट को आपने सिम पोर्ट किया है वो डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, ये आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर इस प्रकार से। इसके बाद सर्च का ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस डेट को, यानी उस दिन को जितने भी आप सिम पोर्ट किए होंगे वो तो सारे यहाँ पर शो करेंगे, लेकिन आपको जिसका चेक करना है वो यहाँ पर उसका नंबर भी दिया रहता है, तो आपको उस नंबर से उसका चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए स्टेटस, जैसे यदि यहाँ पर ये सिम कार्ड आपकी चालू हो गई होगी, पोर्ट हो गई होगी, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार चेक सर्विस स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो चालू नहीं होगी यहाँ पर ऐसे नॉर्मल यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने इसको पोर्ट किया था इसमें यहाँ पर अभी चालू नहीं हुई है, यहाँ पर इसका नंबर भी दिया है, और जो कि यहाँ पर मैंने इसको चालू किया था ये पोर्ट हो चुकी है, यहाँ पर इसका चेक सर्विस स्टेटस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करके इसके आगे डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे चेक स्टेटस सर्विस में आप जैसे चेक सर्विस स्टेटस में हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर अधिक कर आता है, लेकिन यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, यानी ये सिम कार्ड अभी पोर्ट नहीं हुई है।